स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी लंदन, डी पेरिस। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत हो गई है। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में ये सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत स्थल। अगला प्रश्न, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सेशल्स, डी मॉरिशस। आंसर डी मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। अब दूसरे देश में भी जन औषधि केंद्र से लोग सस्ती दवाएं ले सकते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है? ए ऑपरेशन सुरक्षित बच्चे, बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, सी ऑपरेशन मुस्कान, डी ऑपरेशन स्माइल। आंसर बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। एक्सप्लेनेशन, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले 84,119 बच्चों को बचाया है। नन्हे फरिश्ते सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है। यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। वर्ष 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। बचाए गए बच्चों में से भागे हुए बच्चों, लापता पाए गए, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहृत, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेघर बच्चे पाए गए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी आइवरी कोस्ट, डी केन्या। आंसर सी आइवरी कोस्ट। एक्सप्लेनेशन, आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ। आइवरी कोस्ट सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कन्वेंशन में शामिल हुआ है। यह 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन का 53वां पक्ष देश भी बन गया है, जिसे ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन की स्थापना पैन यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली, डी एमएस धोनी। आंसर बी शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन, यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट आइकन शिखर धवन को नियुक्त किया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी तूफानी उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले धवन यूरोस्पोर्ट इंडिया के नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर के माध्यम से रेसिंग के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे। फेस कर रेस कर अभियान MotoGP की अदम्य भावना को समाहित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? A 8,000, B 10,000, C 12,000, D 14,000। आंसर A 8,000। एक्सप्लेनेशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेगी। ये हाल ही में चुनी गई NDA सरकार का पहला बजट होगा। कृषि क्षेत्र में R&D में निवेश की मांग की गई है। वहीं PM किसान योजना की किश्त राशि बढ़ाकर 8,000 किए जाने की मांग की गई है। अगला प्रश्न, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी दीप्ति शर्मा, डी शेफाली वर्मा। आंसर बी स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन, भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। उनके नाम कुल 3,365 रन हो गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ए अजय देवगन, बी अक्षय कुमार, सी शाहरुख खान, डी रामचरण। आंसर डी रामचरण।
एक्सप्लेनेशन, अभिनेता रामचरण मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM में सम्मानी अतिथि होंगे और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरियन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें अभिनेता की फिल्मों का पुनरावलोकन किया जाएगा ताकि फिल्म उद्योग में उनके सफर का जश्न मनाया जा सके। ये 15 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। अगला प्रश्न, मनोलो मार्केज़ को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, वह किस देश के है? ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्पेन, डी जर्मनी। आंसर सी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के मनोलो मार्केज़ को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। वह इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे। मार्केज़ ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पद संभालेंगे। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने ये जानकारी दी है। अगला प्रश्न, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? ए 7.5 करोड़, बी 8.5 करोड़, सी 9.5 करोड़, डी 10.5 करोड़। आंसर डी 8.5 करोड़। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। बजट 2024 में कितने युवाओं को इंटर्नशिप और मासिक भत्ते का प्रावधान किया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 4 करोड़। आंसर ए 1 करोड़। एक्सप्लेनेशन, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अगला प्रश्न, बजट 2024 में किस केंद्रीय योजना को सबसे ज्यादा राशि आवंटन की गई? ए आयुष्मान भारत, बी मनरेगा, सी PM सूर्योदय, डी PM विश्वकर्मा। आंसर बी मनरेगा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 में देश की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2023-24 की तुलना में 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रामीण रोजगार को पर्याप्त राहत देने में विफल रह सकता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की देनदारी ही 32,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, बजट 2024 में सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को राशि आवंटित किया गया? ए रेल मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आंसर सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। ये कुल बजट आवंटन का 12.9% है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जहां वेतन पेंशन पर खर्च होगा, वहीं पूंजीगत खर्च के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित हुआ है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? ए 4.5-5%, बी 5-6%, सी 6.5-7%, डी 7-8%। आंसर सी 6.5-7%। एक्सप्लेनेशन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5-7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से तेजी से उभरी है। वित्त वर्ष 24 में इसकी वास्तविक GDP कोविड पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20% अधिक रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 22 जुलाई को सर्वे पेश किया। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी साइना नेहवाल, सी PV सिंधु, डी अभिनव बिंद्रा। आंसर डी
अभिनव बिंद्रा। एक्सप्लेनेशन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। नीट UG 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? ए. परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। बी. पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया। सी. परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई। डी. परीक्षा रद्द कर दी गई। आंसर ए. परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रश्न पत्र बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो गई हो। ये निर्णय भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? ए. 50,000 रुपए, बी. 60,000 रुपए, सी. 75,000 रुपए, डी. 90,000 रुपए। आंसर सी. 75,000 रुपए। एक्सप्लेनेशन, नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई। साथ ही 5% कर दर के लिए कर स्लैब की सीमा को 5,00,000 रुपए से बदलकर 7,00,000 रुपए कर दिया गया। अगला प्रश्न, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने? ए. नारायण कार्तिकेयन, बी. कुश मैनी, सी. अर्जुन मैनी, डी. जेहान दारूवाला। आंसर बी. कुश मैनी। एक्सप्लेनेशन, भारत के कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती जब शुरुआती विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। पोडियम फिनिश के शीर्ष पर पहुंचने के बाद 23 वर्षीय इन्विक्टा रेसिंग ड्राइवर ने अपने सीजन टैली में 10 अंक जोड़े। इस जीत के साथ मैनी ने फॉर्मूला 2 ड्राइवर स्टैंडिंग में मर्सिडीज के जूनियर ड्राइवर किमी एंटोनेली को पीछे छोड़ते हुए 66 अंकों के साथ P8 पर जगह बनाई। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व का पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. चीन। आंसर डी. चीन। एक्सप्लेनेशन, चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है जो हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है। इसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करते हुए अधिक ऊर्जा कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन 87 मील 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? ए. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। आंसर बी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात सरकार ने 18 जुलाई को श्रमिक बसेरा नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों के लिए एक अस्थायी घर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिकों को इसके लिए 5 रुपए प्रति रोज के हिसाब से किराया चुकाना होगा। इसके अलावा उन्हें कम कीमतों पर खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना को गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट में शुरू किया जाना है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? ए. राजीव भवन, बी. गणतंत्र मंडप, सी. दरबार हॉल, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर डी. गणतंत्र मंडप। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 24 जुलाई, बी. 25 जुलाई, सी. 26 जुलाई, डी. 27 जुलाई। आंसर सी. 26 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं?
ए 50, बी 58, सी 60, डी 62। आंसर डी 62। एक्सप्लेनेशन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की शाख बढ़ी है और अब इस वजह से भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सहित दुनिया को 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के पासपोर्ट्स की लिस्ट में भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों को अब 28 देशों में और पाकिस्तानियों को महज 34 देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगी। अगला प्रश्न। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शेखर कपूर, बी अनुराग कश्यप, सी करण जौहर, डी जोया अख्तर। आंसर ए शेखर कपूर। एक्सप्लेनेशन। प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। अगला प्रश्न। उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? ए रेगिस्तानी तूफान, बी कोबरा गोल्ड, सी खान क्वेस्ट, डी लाल झंडा। आंसर सी खान क्वेस्ट। एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलानबतार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान वर्ष इसका 21वां संस्करण है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिनकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी लद्दाख। आंसर डी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। शिनकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह निम्यू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कामाख्या मंदिर, सी मोइडम्स, डी माजुली द्वीप। आंसर सी मोइडम्स। एक्सप्लेनेशन। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि में असम से मोइडम्स 700 साल पुरानी अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली टीलेनुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये घोषणा आज 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में की गई। ये यहाँ शामिल होने वाली भारत की 43वीं संपत्ति बन गई है। अगला प्रश्न। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 20,000, बी 25,000, सी 27,000, डी 30,000। आंसर बी 25,000। एक्सप्लेनेशन। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र PMBJK खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी कामराजार बंदरगाह। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये सुविधा लॉजिस्टिक्स में अकुशलताओं को दूर करेगी, कई तरह के प्रबंधन में सुधार लाएगी और कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाएगी। अगला प्रश्न। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए चिराग पासवान, बी जयंत चौधरी, सी अनुप्रिया पटेल, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी जयंत चौधरी। एक्सप्लेनेशन। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की।
इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे।